अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फिर से इस्तकबाल है मेरे चैनल मीर फिशिंग मास्टर में। जैसा कि आज मैं यहां पर कुछ प्रोडक्ट्स की अनबॉक्सिंग करने आया हूं, ये मुझे तौसीफ भाई ने भेजा है राजस्थान से, और काफ़ी सारे फ्रॉक्स भेजे उन्होंने 8। मैंने अभी तक एक ही चेक किया यहां पर आया तो, लगभग इसको अभी 10 से 15 मिनट में ही 4 से 5 हिट हो गए हैं। ये काफ़ी बेस्ट ओपन हुक फ्रॉग है, मैंने यही चेक किया। इसके अलावा उन्होंने मुझे ये एक नॉर्मल फ्रॉक भेजा है, फिर ये वाला फ्रॉक भेजा है जिसके पीछे एक बज़र लगा हुआ है छोटा सा। देन जो अभी वहाँ पर हिट हो चले हैं दुश्मन फ्रॉक के नाम से, उन्होंने लगभग उसकी सभी रेंज भेजी है मुझे, उसमें जितनी वैरायटी आती है। ये 4 टाइप के अलग अलग फ्रॉक्स हैं जो MP और राजस्थान में काफ़ी महंगे मिल रहे हैं दूसरे डीलर्स के पास से, वो मुझे काफ़ी सस्ते में प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसमें डोर भी लगी हुई आगे और आगे पिन वाला भी है। और एक और फ्रॉग उन्होंने दिया है, मतलब मैंने अभी इनको यूज़ नहीं किया है, मैं इन सभी को यूज़ करने वाला है। ये एक फ्रॉग उन्होंने दिया है, काफ़ी सस्ते में दिया है उन्होंने मुझे, और वो कह रहे कस्टमर्स को भी इसी रेट में प्रोवाइड करेंगे। और ये एक ब्रेडेड लाइन उन्होंने दी है, ये मैंने अभी तक फिल नहीं की है, ये कोई चाइना की कंपनी की है, 0.26 mm की, 100 मीटर्स की। लेकिन मैंने इसे घर पर जैसा मेरा तरीका है, मैं इसे वेट लगा के टेस्ट करता हूँ, मैंने इसे सेम वैसा ही टेस्ट किया और इसके रिजल्ट भी लगभग ब्रांडेड लाइंस के जैसे ही है। ये 10.5 किलो का वेट पड़ने पर टूटी, मतलब लगभग 6 से 7 किलो की मछली ये संभाल लेंगी। काफ़ी अच्छी ब्रांडेड लाइन है और काफ़ी सस्ते में दे रहे हैं तौसीफ भाई, तो मैं आपको उनके डिस्क्रिप्शन में नंबर और सारी चीज़ें दे दूँगा। और ये जो रॉड मैंने उनसे मंगवाई है डी वेव की, डाइवा की, काफ़ी मज़ा आ रहा है मुझे इसके साथ खेलने में। ये रॉड की स्पेसिफिकेशन इसके ऊपर लिखी हुई है, अगर आप देखोगे तो ये 20 ग्राम से लेकर तो 100 ग्राम तक का लूर कास्ट कर सकती है। लाइन 12 से 25 LB तक की लाइन ये ले सकती है, और काफ़ी अच्छी रॉड है डी वेव की। ये भी मैंने उनसे मंगाई और काफ़ी रिजनेबल रेट्स लगा रहे हैं तौसीफ भाई, तो चेक करते हैं इसके क्या रिजल्ट्स है। इसे तो मुझे अभी 2-3 हिट हो गए, देखते हैं इससे कुछ फिशेस कैच कर पाते हैं क्या। एट द एंड ऑफ द वीडियो अगर मैं कुछ कैच करता हूं तो ज़रूर डालूंगा, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए मेरे साथ में लोग मौजूद नहीं होते, इसलिए मुझे दिक्कत आ रही है। तो आगे ये एक बात कहनी थी कि जो मैंने बेसिक चीज़ें फाइंड कर रहा हूँ, लोग ये कह रहे हैं कि जगह कैसी चाहिए। देखो मैंने वापस एक नई जगह पर आया हूँ, जैसा कि मैंने पिछली बार आपसे कहा था, मैं जगह ऐसे ढूंढता हूँ जहाँ पानी का लेवल थोड़ा कम हो, ऊपर घास हो, आसपास में रेत हो। अगर इस साइड दिखाओ तो एक काफ़ी बड़ा रेती का टीला है जो पहाड़ से हम उतर कर आए हैं, तो ऐसी जगह आप ढूंढिए, बोर मत होइए जल्दी। आप टाइम, अभी सर्दियाँ शुरू हो गई है तो शाम में लगेंगी, उजाले के बदलने के वक्त में आपको मछलियाँ लगेंगी अगर स्नेक हेड का शिकार करना है तो। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, मैं जो अगले टॉपिक्स अपने बनाने वाला हूँ, मुझे काफ़ी सारे लोगों के फ़ोन्स आए, उन्होंने मुझसे चैट पर भी पूछा मेरे व्हाट्सअप नंबर पर, उन्होंने मुझे यूट्यूब चैनल पर भी पूछा जिससे मैं आपसे टच में हूँ, कि मैंने कैसे स्टार्ट किया उसके बारे में कुछ बताओ। तो मैं एक स्पेशल वीडियो इस पर बनाने वाला हूँ कि मैंने कैसे शुरू किया, मेरी पहली रॉड कौन सी थी, रील कौन सी थी, मैंने लाइन कैसी यूज़ करी, मुझे कितना टाइम लगा उसे सीखने में। खैर वो टूट गई है, मैंने उसको रिपेयर करने के लिए रखा है, वो रिपेयर करने के बाद में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने पहले 2 रॉडें मेरी टेलीस्कोपिक थी, बाद में मैंने 2 सेक्शन रॉड से स्टार्ट करना शुरू किया। अभी मैं जो डी वेव यूज़ कर रहा हूँ, मैं पहले जो यूज़ कर रहा था वो मीडियम एक्शन यूज़ कर रहा था, लेकिन जब मैं सॉफ्ट हॉलो के फ्रॉक्स यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे थोड़ी हार्ड एक्शन वाली रॉड चाहिए थी, क्योंकि जब सॉफ्ट हॉलो के फ्रॉक को स्नेक हेड स्वालो कर लेता है, निगल लेता है, तो हमें उसे झटका देना होता है, एक्चुअल में हमें उसे हुक करना होता है, उसके लिए दिक्कत आती है, उस रॉड से नहीं हो पाता है। तो मैंने उसके लिए मंगाया है ये रॉड को, काफ़ी अच्छे रिजल्ट से दोस्तों। मैंने पीछे भी कहा कि मुझे इसकी हर चीज़ पसंद आई, बिल्ड क्वालिटी मेड इन मेतना में, वे मेड इन चाइना भी मिलती है, तो वो चेक करके लीजिए। और उसके अलावा मैं जो एक वीडियो डालने वाला हूँ, बेसिक मिस्टेक्स हम क्या करते हैं, मैं उसे 5, 6 या 7वें कैटेगराइज कर दूंगा, जिसमें मैं जितने भी बिगिनर्स है उनका पूरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। बस दोस्तों एक बात कहूँगा कि आप अगर कहीं खेलने जा रहे हो तो एक लूर से मत खेलिए पूरा टाइम, मैं जस्ट हिंट दे रहा हूँ, मैं आगे वीडियो में आपको पूरा बताऊँगा कि क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं। तो मेरे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए या आपको किसी भी डीलर का नंबर चाहिए तो मेरे
मेरा कांटेक्ट नंबर या किसी डीलर का नंबर वगैरह चाहिए तो मेरे पिछले वीडियोस में देखिए, चैट्स में है, वहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। मैं हर बार मतलब वही सेम नंबर नहीं डाल सकता, तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चेक कीजिए पिछले वीडियोस में और उनकी चैट में। वैसे मैं तौसीफ भाई का नंबर अभी शेयर करूँगा लिंक इस वीडियो के लिंक की डिस्क्रिप्शन में। चैनल को देखते रहिए दोस्तों, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे आगे और बताइए कि आपको किस चीज़ की मदद चाहिए। ऐसे तो मेरे दो वीडियो अपकमिंग हैं जिनका मैंने आपको हिंट दे दिया कि एक मैं बेसिक बिगिनर्स की मिस्टेक के बारे में बताने वाला हूँ और दूसरा मैं बताने वाला हूँ मैंने कैसे स्टार्ट किया, कैसी रॉड्स से, कैसी रील्स से मैंने स्टार्ट किया। तो देखते रहिए दोस्तों और दुआ कीजिए मैं आज भी कुछ मछलियाँ पकड़ूँ। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुशरफ का छोटा भाई हूँ और ये फर्स्ट टाइम हमारे मुझे इतनी बड़ी मछली कैच हुई है ड्यू टू ट्रेनिंग ऑफ माई बिग ब्रदर। उन्होंने जैसा मुझे बताया मैंने वैसा काम किया हूँ और ये मेरा यानी अचीवमेंट है बड़ा। कॉन्ग्रेचुलेशन। ऑलमोस्ट 3 kg, 3.5 किलो के ऊपर है। 3.5 किलो। देखिए इसका साइज आप देख सकते हो अभी कितना है, शायद अप्रोक्सीमेटली 2 से 2.5 किलो की होंगी, शायद पता नहीं, शायद 2 किलो की होंगी, लेकिन ये मेरा बिग अचीवमेंट है। थैंक यू तौसीफ भाई, ये आपके फ्रॉक के थ्रू पॉसिबल हुआ है। काफ़ी बेस्ट फ्रॉक जो मैंने प्लास्टिक का बताया, आप ले सकते हैं तौसीफ भाई से। इसका जंप बहुत अच्छा है। दिस इज द साइज ऑफ द फिश। थैंक यू। थैंक यू। दे दो ना उनके हाथ में, दो आप खींचते खड़े रहना बेटा, ऊपर पकड़ो, ऊपर, हाँ और ऊपर पकड़ो। अच्छा है। घुमाना नहीं, बस रुक जाओ, जब झटका लगेगा जब घुमाने का। खींच खींच खींच, मूसा लग गई, मूसा को खींचने दो ना। फर्स्ट टाइम में मूसा को लगे। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ भाईजान ने पकड़े। चलो 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 जंपिंग पे। रुको रुको, सर को सर को सर। बोलो बोलो मूसा, कुछ बोलो। पहली बार हमने पकड़े सर को मछली। अब्बू ऐसा हमारे हाथ को पकड़ लिए थे, पूरा दब गया था।